अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ आलू मटर के रोल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आलू को छील के और छोटा छोटा काट लें और मटर को भी छील लें। ये आलू को छील के हमने काट लिया, अब इनको बॉईल करेंगे। अब मटर को भी छील लेना है और इनको भी बॉईल करना है। दोस्तों ये आलू हमने बॉईल कर लिए, अब इसमें आप हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। अब हम इन आलूओं को अच्छी तरह कुचल देंगे। ये मटर भी हमने बॉईल कर लिए, अब इनको भी हम थोड़ा कुचल देंगे। अब इन कुचले हुए मटर में हम हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इन कुचले हुए आलू और मटर के रोल्स बनाएंगे। तकरीबन इतना आप ले लें आलू कुचले हुए और इसमें मटर डाल लें और इनके रोल्स बना लें। इस सब आलू के हमने रोल्स बना लिए। अब हम एक अंडा लेके उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब आलू का रोल लेके उसको पहले अंडे में डिप कर दें और उसके ऊपर फिर ब्रेड क्रम्स लगा दें। इस तरह करके आपने सारे रोल्स बना लेने हैं। तो दोस्तों इन रोल्स पे हमने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें रोल फ्राई करेंगे। दोस्तों ये हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू मटर रोल्स तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।